हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूडोलिक। मैं हूँ इंद्राणी और आज मैं आप लोग के सामने फिश चॉप बनाने वाली हूँ। इसे अगर आप लोग डीप फ्राई करें तो चॉप होता है, और इसी मिक्सचर को अगर आप लोग शैलो फ्राई करते हैं तो इसे फिश काटलेट भी एज अ काटलेट भी आप लोग सर्व कर सकते हैं। प्रोसेस दोनों का सिमिलर होता है, तो आइए देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 पीस फिश लिए हैं। आप लोग कोई भी फिश यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने 1/4 टीस्पून नमक देके बॉईल कर लिया है। अगर आप लोग प्रेशर में यूज़ करते बॉईल करेंगे तो 1 सीटी लगा दीजिएगा। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू को मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। 1 बड़े साइज़ के प्याज को मैंने ऐसे बारीक स्लाइसिस में काट लिए हैं। 1 टमाटर है, 3 हरी मिर्च है। मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। मसाले में है 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, नमक आपके स्वाद अनुसार, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, ये ब्रेड क्रम्स है, और यहाँ पे 2 अंडे हैं। 2 एग्स को मैंने थोड़ा सा नमक देके फेंट लिया है। अब हम लोग बनाना शुरू करेंगे। इससे सबसे पहले हम लोग फिश को डीबोन करेंगे। इसके जो भी कांटे हैं हम लोग निकाल लेंगे। हमें चॉप के अंदर काटा नहीं चाहिए, तो थोड़ा सावधानी से करना होगा। एक बार ये निकल जाए पूरा, हम लोग फिर मसाला फ्राई करना शुरू कर देंगे। मैंने कढ़ाई लिया है मसाला फ्राई करने के लिए। कढ़ाई लेके मैंने यहाँ पे सरसों का तेल दिया है। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। एक बार गर्म हो जाए फिर हम लोग यहाँ पे प्याज देंगे, उसे फ्राई करेंगे। ये तेल गरम होने लगा है, अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। इसे हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे। फिश चॉप बनाने के लिए हम लोग को मसाला बहुत ही अच्छे से भूनना चाहिए। कच्चा अच्छा नहीं लगता है इसमें, इसलिए प्याज हो या बाकी जब मसाला देंगे फ्राई बहुत ही अच्छे से करना होगा। प्याज को हमें ब्राउन कलर के होने तक फ्राई करना है, लेकिन 1 मिनट करीब फ्राई करने के बाद हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। और एक बार जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालने के बाद फिर दोनों को एक साथ हम लोग भूनेंगे। ये होने लगा है फ्राई, और थोड़ा करने के बाद मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट दूंगी। ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट दे दिया, अब हम लोग इसको और अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक प्याज अच्छे से फ्राई ना हो जाए, उसका तेल ना निकल आए। ऐसे प्याज कभी कभी मोटा रहता है, उसको आप लोग फ्राई करने के टाइम पे अलग कर दीजिएगा। ये अच्छे से फ्राई हो रहा है, अभी हम लोग इसमें टमाटर डालेंगे। ये टमाटर और हरी मिर्च को मैंने एक साथ काट लिया था, अभी इसे डालेंगे और इसे फिर से हम लोग फ्राई करेंगे। टमाटर पूरी तरह से गल जाना चाहिए और अपना तेल छोड़ देंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम लोग बाकी जो मसाले हैं वो मिलाएंगे इसमें। टमाटर ऑलमोस्ट फ्राई होने लगा है, अभी और थोड़ी देर बाद ही हम लोग इसमें मसाले मिला देंगे। ये जो है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सारे मसाले हैं, इसको सब हम लोग एक साथ डाल देंगे और इसे फिर से फ्राई करेंगे। इसे पूरा अच्छे से फ्राई होने देंगे। मसाला का कच्चापन नहीं रहना चाहिए, और टमाटर जो है अपना तेल छोड़ देता है। ये पूरा मसाला अपना तेल छोड़ेगा, तब तक हमें फ्राई करना है। आप लोग देख सकते हैं साइड से तेल निकलने लगे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये फिश जो है मैंने इसका काटा निकाल लिया है सारा, और इसको अभी हम लोग फ्राई करेंगे।
इसे अच्छे से मसाले के साथ मिला लेंगे हम लोग। हमें फिश और आलू देने के बाद ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि आलू देने के बाद मिक्स करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पहले फिश मिक्स करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आलू देंगे। ये मिक्स हो गया है फिश के साथ, मसाला अच्छे से मिल गया है, और एक दो मिनट करीब फ्राई करके अभी हम लोग इसमें आलू मिला सकते हैं। ये जो बॉइल्ड आलू था उसको मैश किया हुआ था ना मैंने, अभी फिर इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के टाइम पे अगर आप लोग को दिखाई दे कहीं पे आलू मोटा सा है, मोटा मोटा हो रखा है, उसे तोड़ दीजिएगा। इसे अच्छे से मिला लेंगे पूरे मसाला, आलू, फिश। फिश तो मिक्स हो ही गया था, अभी आलू भी उसी मिक्सचर में अच्छे से मिला लेंगे, और इसे फिर हम लोग ठंडा होने के बाद हम लोग इसमें इसका चॉप शेप कर सकते हैं। गरम गरम तो नहीं कर पाएंगे, इसे फ्राई करेंगे और एक दो मिनट के करीब, उसके बाद हम लोग इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये हो गया है, अब मैं इसमें थोड़ी देर बाद हम लोग इसमें चॉप बनाएंगे। ये देखिए मैंने इस शेप में बनाया है। अभी आप लोग अगर कटलेट बनाना चाहते हैं, अभी अगर आप लोग कटलेट बनाना चाहते हैं तो इस स्टेज में आप लोग को कटलेट का शेप देना है। यहाँ तक सब एक जैसा है, चॉप अपने आप शेप आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हैं। ये मैंने थोड़ा गोल किया है, आप लोग चाहे तो लंबा भी कर सकते हैं, इस तरीके से लंबा भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहे तो कटलेट का शेप जो होता है उसे भी दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से भी दे सकते हैं। आज मैं चॉप ही बनाने वाली हूँ, तो मैं सारे चॉप के शेप में ही बनाने वाली हूँ अभी। अभी हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग इसको अंडे में थोड़ा डुबोएंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में देके उसको, उसके बाद हम लोग इसे फ्रिज में रखना होगा। अभी मैंने इसमें अंडा अच्छे से कोट हो गया है, अभी ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। ऐसे करके हम लोग सारे चॉप को तैयार कर लेंगे। एक बार तैयार होने के बाद हम लोग इसको अभी आधा घंटा करीब हम लोग इसे फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में हमें इसलिए रखना है ताकि ये ब्रेड क्रम्स जो है अच्छे से चिपक जाए तब जब फ्राई करेंगे, नहीं तो तेल में फैल जाता है। अगर फ्रिज में रखेंगे तो चिपक जाता है, फिर फ्राई करने में इजी होता है। आधा घंटा करीब रख सकते हैं फ्रिज में। तो आधा घंटा बाद मैंने कढ़ाई में तेल लेके गरम कर लिया है और उन चॉप को निकाल दिया है फ्रिज से। तेल अच्छे से गरम होना होगा, नहीं तो फिर अच्छे से फ्राई नहीं होगा चॉप। और ज़्यादा भर मत दीजिएगा, बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर पलटने में प्रॉब्लम होता है। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे हम लोग, ब्राउन कलर होना होगा हर एक तरफ से। बहुत आराम से पलट देंगे। अभी जो हम लोगों ने इसे फ्रिज में रखा था, इस वजह से ये जो ब्रेड क्रम्स हैं ये तेल में फैल नहीं गया है, लेकिन अगर आप लोग डायरेक्ट दे देते तो थोड़ा सा फैल जाता है, फिर तेल गंदा हो जाता है। इसलिए कोई भी चॉप हो, फिश चॉप है ऐसा नहीं है, किसी भी तरह का आप डीप फ्राई करेंगे जहाँ पे ब्रेड क्रम्स यूज़ होता है, आधा घंटा करीब फ्रिज में रख दीजिएगा, तो बहुत ईजी होता है फ्राई करना। ये फ्राई होने लगे हैं, फिर भी और थोड़ा बाकी है, हर एक तरफ से डार्क ब्राउन होना होगा।
ये हो गया है, मैं इसको अभी निकाल लूँगी और बाकी जो हम लोग का सेकेंड बैच है उसे हम लोग फ्राई कर लेंगे। एक साथ नहीं कर सकते फ्राई। हम लोग का चॉप बन के तैयार हो गया है। अभी हम लोग इसको चटनी सॉस किसी के साथ भी आप लोग सर्व कर सकते हैं। फर्स्ट लॉट हो गया, मैं जो दूसरा बाकी है हम लोग का उसे भी फ्राई कर लेंगे। आज मैंने ये चॉप सर्व करने के लिए मैंने धनिया की चटनी बनाई है और सॉस है और मेयोनीज है। आप लोग किसी भी डिप के साथ सर्व कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और हमें बोलिएगा आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू।